संभल के चंदौसी में रफ्तार के कहर के लिए एक युवक की जान, दो घायलों का इलाज चंदौसी सरकारी अस्पताल में चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि डग्गामार मारुति वैन चंदौसी औरची चौराहे पर तेज स्पीड होने के कारण खंभे से जा टकराई, जिसमें बैठे एक अधेड़ की अस्पताल इलाज के दौरान मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चाचा, क्या नाम है आपका? हमारा रणवीर सिंह के, तो पछना जी रणवीर सिंह का नाम। आप कहाँ से आ रहे थे, कैसे हुआ एक्सीडेंट? तो इस वहाँ से आए थे, वहाँ से इस्लाम नगर से। क्या करने गए थे इस्लाम नगर? शादी के चक्कर में वहाँ कुछ बस वगैरह करी। किस तारीख की शादी है? शादी ठंडाया। चलो, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद चौराहे पर उतर गए, बैन मिल गई हमारे टाइम, बैन में बैठ गए, बैन भाई खम्बा सड़क में गड़ा हुआ, ऊपर डालू रखू वो इसको, डालू हिलाऊ वो इसको, और डालू हिलक के खड़ा समझिए खम्बा में लग गए। ये कहाँ बैठे थे तो खम्बा पे लगे, कहाँ थे ये गाड़ी? ये आगे सीट के बराबर में खड़े आ गए, बाहर की साइड लटक गए, खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? फिर वो डालू लगू आगे खम्बा में लगो, डालू समझिए नीचे गिरी खम्बा पर। आप कहाँ बैठे थे? हम नीचे सीट पर बैठे हुए। ये जो खत्म हुए कौन है आपके? ये हमारे भाई। कितनी उम्र है इनकी? 35 के आसपास, 40 के आसपास। ये अस्पताल में आके खत्म हुए या मौके पे खत्म हो गए? वहाँ से तो सही आए, फिर सांस ही बोले तो ना यहाँ, फिर खत्म ही अस्पताल में, कहीं डॉक्टर ने बताई नहीं अभी सांस। कंडीडेट सिंह चिकित्सालय चंदौसी में घायल अवस्था में आया, जिसकी उम्र 45 साल थी और उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दूसरे एक कैंडिडेट उसके साथ में आया, जिसकी उम्र 55 साल, वो हल्के फुल्के मतलब खरोश के निशान थे, वो भी घायल अवस्था में आया था, लेकिन उसकी कंडीशन ठीक है।